नमस्ते, आज हम बात करेंगे केनाइन डिस्टेंपर की और मैं कुछ बहुत ही कॉमन बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी और डॉक्टर गुलशन उनके जवाब देंगे। केनाइन डिस्टेंपर होता क्या है? केनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक डॉग से दूसरे डॉग में स्प्रेड करती है। अब ये स्प्रेड बहुत सारे तरीक़ों से कर सकती है, नोज़ डिस्चार्ज, आइस डिस्चार्ज एंड एरोसोल ट्रांसमिशन, मतलब हवा के जरिए ये ट्रांसमिट हो सकता है। केनाइन डिस्टेंपर के लक्षण क्या है? मोस्ट कॉमन लक्षण ये रहता है कि डॉग लड़खड़ा के चलता है। दूसरी बात, आई डिस्चार्ज और नेजल डिस्चार्ज कॉमन है। तीसरा, मसल ट्विचिंग, हिंदी में कहें तो मांसपेशियों का अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता रहता है। कई बार सीवियरिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो डॉग्स के लेग्स के मूवमेंट भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अगर मेरे डॉग को डिस्टेंपर हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? डिस्टेंपर होने के बाद सबसे पहला काम आपको अपने वेट के पास लेके जाना पड़ेगा, जहाँ इसकी रेगुलर फ्लूड थेरेपी और कुछ मेडिसिन चलेंगे। ध्यान रहे आपका डॉग किसी दूसरे अनवैक्सीनेटेड डॉग के साथ ना मिले। जहाँ पे डॉग की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस जगह को भी अवॉइड करें ताकि ये डिजीज़ दूसरे डॉग्स में स्प्रेड ना हो। डॉग को डिस्टेंपर से कैसे बचाया जा सकता है? डॉग की प्रॉपरली वैक्सीन करी जाए प्रॉपर एज पे। जब तक आपके डॉग की वैक्सीन शेड्यूल पूरा नहीं हो जाता तो कोशिश करें कि वो बाहर के दूसरे डॉग से ना मिल पाए, सो दैट कि ये उसको डिस्टेंपर होने का खतरा कम से कम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।